Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 5 subject math, chapter number 7, can we see the patterns. Okay, आज हम हमारा chapter continue करेंगे. देखो यहाँ तक हम आ गए थे, magic hexagon आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए start करते हैं video. देखो क्या है magic hexagon. लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स इन हेक्सागन. देखो यहाँ पे एक हेक्सागन गिवन है और उस हेक्सागन में कुछ नंबर्स गिवन है और उनमें पैटर्न है, वो आपको देखना है. ठीक है, इस साइड हैज टू सर्कल्स एंड वन बॉक्स. हर साइड पे दो सर्कल है और उसके बीच में एक बॉक्स है. ठीक है, यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल नेक्स्ट टू ईट. देखो क्या है इसमें, यहां पे आपको क्या करना है, जो सर्कल में दो सर्कल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. जो सर्कल में नंबर्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सर्कल के बीच में जो बॉक्स है उसमें उन दोनों का जो आंसर आएगा वो आपको राइट करना है. ठीक है, देखो इस हेक्सागन में यहां पे 14 है, यहां पे 5 है. ठीक है, 5, 14 इन दोनों की अगर हमने मल्टीप्लीकेशन की तो आंसर क्या आएगा, 70, वो इस बॉक्स में है. ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 13 है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, आंसर आएगा 65. उसके बाद में ये 13 है और यहाँ पे 2 है. ठीक है, 13 और 2 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आती है, 26, वो इस बॉक्स में है. उसके बाद देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस सर्कल में 10 है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, 20, वो इस बॉक्स में है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है. ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, 70, वो इस बॉक्स में है. अब लास्ट में ये 14 है, ये 7 है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी होती, 98, वो इस बॉक्स में है. इस तरह से ये मैजिक हेक्सागन है. ठीक है, अब देखो 5 × 13 इज इक्वल टू 65. ठीक है, लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स. 65 जो नंबर है वो आपको देखना है. विच आर द सर्कल्स नेक्स्ट टू इट, इसके बाद के सर्कल्स कौन कौन से हैं, 13 और 2. ठीक है, अब नीचे जो दो सर्कल्स है वो आपको उसमें नंबर लिखना है. ठीक है, टोटल मल्टीप्लीकेशन 70 है, तो 70 के लिए सर्कल्स कौन कौन से, 7 और 10, है ना, 7 और 10, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आती, 70. कैन यू सी हाउ द रूल वर्क्स, आपने देखा ये जो रूल है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है. मल्टीप्लीकेशन करनी है सिंपल सिंपल. इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हेक्सागन्स है वो हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, यूज द सेम रूल टू फिल द हेक्सागन्स बिलो. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऊपर हमने रूल देखा वही रूल इन हेक्सागन में अप्लाई करके हमें ये हेक्सागन फिल करना है टोटल. ठीक है, ए वाला देखते हैं. देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आती, 11 × 6 = 66. ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 17 है. ठीक है, 17 और 6 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन देखो, 17 6 7 6 = 42, यहाँ पे 2 4 यहाँ. ठीक है, 6 × 6 = 4 10, आंसर क्या आएगा, 102. ठीक है, आ गया. अब यहां पे 17 है, यहां पे 7 है, 17 × 7 करो कितना आएगा, 116. सॉरी 119 आएगा.
119, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नंबर नहीं है, हम ऊपर से निकालेंगे। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, 11 9 जा 99 आ गया ये नंबर। अब यहाँ पे देखो 9 गिवन है और बॉक्स में जो नंबर है वो गिवन है 108, ये नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, इस सर्कल में नंबर फिल करना है। तो क्या करना होगा, सर्कल की मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो बॉक्स में रहता है। इसी वे से हम क्या करेंगे, जो बॉक्स में नंबर है उस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे 110 को, तो आंसर क्या मिलेगा, 9 1 9 9 2 18, वो नंबर मिल गया हमें 12, ठीक है। अब देखो यहां पे 12 है, यहां पे 7 है, ये बॉक्स फिल होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 12 × 7, ठीक है। 12 × 7 क्या होगा, 7 2 जा 14, 14 का 4 यहां 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, 84। इस तरह से हमने ये हेक्सागन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बी का भी वैसे ही कर लेते हैं। देखो नंबर्स इधर उधर हो गए हैं, यहाँ पे हमें एक एक नंबर सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 है और इसके अंदर 104 है, तो जो यहाँ का नंबर है वो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, 104 को 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं डिवीजन, करो डिवीजन, करो 104 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, ठीक है। 8 1 जा 8, यहाँ पे कितने रहे, 2, 4 नीचे ले लिए, 8 3 जा 24, ठीक है, रिमाइंडर 0। क्या आया आंसर हमारा, 13, आंसर क्या आया, 13, ठीक है। अब 13 मिला हमें, अब देखो 13 है, इस बॉक्स में 78 है, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का नंबर मिलेगा कैसे, इस नंबर को डिवाइड करके, ठीक है। तो कर लेते हैं डिवाइड, 13 के टेबल में देखो 78 कहाँ आते हैं, 13 6 जा 78, 6 आया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 6 4 जा 24, ओके। अब ये 4 है, यहाँ पे इस बॉक्स में 64 है, यहाँ का नंबर मिलेगा कैसे, 64 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 64, यानी देखो ये कैसे आया नंबर, 4 और 16 इन दोनों की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करी तो आंसर क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा आंसर, 128, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 16 की और 8 की। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 8 और 8 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 8 8 जा 64, ठीक है। इस तरह से हमने ये हेक्सागन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन मैजिक हेक्सागन, अब आप अपने मन से भी हेक्सागन बना सकते हो, ठीक है। अब
हमारा न्यू टॉपिक है नंबर्स एंड नंबर्स। नंबर्स एंड नंबर्स क्या है देखो, इस स्टार में 24 है, इस पेंटागन में 19 है, इस स्क्वायर में कितना है 37। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के बाद यानी राइट हैंड साइड में यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 19 है। देखो कैसे किया है, यहाँ पे क्या किया है, नंबर्स जो नंबर्स है उनकी लोकेशन चेंज की है, आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो एडिशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल आएगी। अब नीचे देखो, इस ओवल शेप में 215 है प्लस इसमें 120 प्लस इसमें 600 इज इक्वल टू, पोजीशन चेंज किए आगे पीछे कर दिए गए, 600 सामने लिए फिर 215 उसके बाद में 120, एडिशन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों भी नंबर्स इक्वल है, इसलिए जो एडिशन है जो सम है वो इक्वल आएगी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल। ठीक है, अब आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेम वे, इसी तरह से आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है ये फिल करने हैं। ठीक है, ए वाला सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्टिंग में 14 है स्टार में, उसके बाद हम क्या करते हैं 20 लेते हैं सर्कल में, ठीक है, उसके बाद 34 जो कि स्क्वायर में है। ठीक है, अब बी वाला देखो, बी वाला यहाँ पे 42 है, अब यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 42 आएगा, 42 लेंगे हम यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 80 लेंगे हम जिस जो हेक्सागन में है, ठीक है 80, और यहाँ पे 65 इज इक्वल टू, ओके। अब सी में देखो, 200, 300 और यहाँ पे 400 है, तो 400 यहाँ पे ले लेंगे हम, ठीक है, अब क्या करना है हमें, 400 ले लिए, अब यहाँ पे 300 लेते हैं हम, 300 और लास्ट में बचा गया 200, नंबर अल्टरनेट किए सिर्फ, ठीक है। अब डी में देखो, डी में पूरे स्पेस ब्लैंक है, ठीक है, तो हमारे मन से हम नंबर लेते हैं, सपोज 34 ले लिया हमने, ठीक है, उसके बाद 29, उसके बाद 47, इसको करो अल्टर, 47 ले लो पहले, उसके बाद 34, उसके बाद 29, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे जो नंबर है इनकी तरफ देखो, 48 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 48, मल्टीप्लीकेशन में भी अल्टरनेट किए हैं नंबर, चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट, ये चेक करना है आपको। देखो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन सेम आएगी, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS सेम आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा है, आई होप आपके आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके, थैंक यू।